मजीद मार्केट डाउन होती जा रही है, बेल्टिंग की जो न्यूज थी वो आगे से आगे बढ़ाई जा रही है डीएचसी की मैनेजमेंट की तरफ से, एक महीना फिर आगे ले। जी सामने व्यूअर्स, मैं मोहम्मद सलमान सिद्दीकी पाकिस्तान प्रॉपर्टी से और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान प्रॉपर्टीज के नाम से। आज का हमारा व्लॉग है डीएचए भावलपुर के हवाले से, करंट पोजीशन क्या है रेट्स के हवाले से, फाइल्स के रेट्स के हवाले से। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डीएचए भावलपुर में फाइल्स के रेट्स। रेट्स की बात करें तो मजीद मार्केट डाउन होती जा रही है, बेल्टिंग की जो न्यूज थी वो आगे से आगे बढ़ाई जा रही है डीएचए की मैनेजमेंट की तरफ से, एक महीना फिर आगे ले गए हैं। 14 जुलाई 2023 बैलेटिंग की डेट रखी गई है, 5 जुलाई तक आप अपने जो ओपन एफिडेविट हैं उनको सबमिशन करवा के इंटीमेशन और एलोकेशन लेके बैलेटिंग में शामिल हो सकते हैं। रेट्स की बात करते हैं तो 1 लाख का जो एलोकेशन फाइल है वो तकरीबन आज का जो करंट रेट है 33-33.5 लाख रुपए, एफिडेविट तकरीबन 35-35.5 लाख रुपए का मार्केट में ट्रेड हो रहा है। जी ब्लॉक की बात करें तो तकरीबन 36-36.5 लाख रुपए में, और 4 मरल का जो ओपन एफिडेविट है मेन बोलेवार्ड का कमर्शियल का तकरीबन 81 लाख रुपए मार्केट में डिमांड की जा रही है। मार्केट मजीद डाउन है, देखिये पैलेटिंग भी करीब है लेकिन इसका कोई खासा फर्क नहीं पड़ा इस हवाले से। प्लॉट्स की बात करते हैं तो प्लॉट्स भी मजीद आप कह सकते हैं 2-2, 4-4 लाख रुपए रेट्स डाउन रहे। सबसे पहले हम बात करते हैं एन ब्लॉक की, जो सबसे हॉट ब्लॉक समझा जाता है डीएचए भावलपुर के हवाले से। जनरल प्लॉट आपको यहाँ पे आप कह सकते हैं 52-54 लाख रुपए में जनरल प्लॉट मिल जाता है, अगर बाउंड्री वाली साइड पर जाए तो 50 लाख रुपए में भी यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लैंड के ऊपर आपको प्लॉट अवेलेबल हो जाता है। अगर कैटेगरी प्लॉट लेना चाहते हैं तो 55-60 के ब्रैकेट में आपको एक अच्छा प्लॉट अवेलेबल हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं ए और बी ब्लॉक्स की, जहां पे पोजीशन है, ऑल डेवलपमेंट चार्जेस पेड है, कॉस्ट ऑफ लैंड पे यहाँ पे एक अच्छा प्लॉट आपको 55-60 लाख रुपए की ब्रैकेट में मिल जाता है पोजीशन वाला, जहां पे ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन हो रही है, लोग घर बना रहे हैं। इसके अलावा 22 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस है तकरीबन, वो आपको उसको अलग से पे करने पड़ते हैं। इसके बाद एच और जे की बात करते हैं, जो नॉन पोजेशन एरियाज हैं जहाँ पे अभी डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं हुई और डेवलपमेंट चार्जेस का भी इनकार नहीं हुआ, आपको एक अच्छा प्लॉट 45-50 लाख रुपए की ब्रैकेट में मिल जाता है। अगर कोई बाउंड्री या कोई बोल्ड लोकेशन का प्लॉट है आपको 40-42 लाख रुपए में भी अवेलेबल हो जाता है। इसके बाद जी ब्लॉक जैसे डेवलपमेंट चार्जेस यहाँ पे लगे तकरीबन 27 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस का इनकार किया गया, 2 किस्तें तकरीबन इसकी ड्यू हो गई हुई है लेकिन प्राइजेस दिन ब दिन डाउन आ रही है। यहाँ पे आपको 35-36 लाख रुपए में भी एक नॉन पोजेशन प्लॉट जो उनसे आपको अवेलेबल हो जाता है, एक अच्छा प्लॉट 40-45 लाख रुपए के ब्रैकेट में आपको जी ब्लॉक के अंदर अवेलेबल हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं दसवाला प्लॉट्स के हवाले से। सी और डी जो पोजेशन एरिया है, मिनिमम आपको यहाँ पे 26-27 लाख रुपए से लेकर और तकरीबन 35 लाख रुपए में एक अच्छा प्लॉट अवेलेबल हो जाता है कॉस्ट ऑफ लैंड के अंदर। 13 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस हैं जो आपको अलग से इसके पे करने पड़ते हैं। इसके बाद सेक्टर एफ की बात करते हैं, सेक्टर एफ सबसे अच्छा ब्लॉक समझा जाता है तकरीबन, आप कह सकते हैं इसके अंदर आपको मिनिमम जो प्लॉट है आप कह सकते हैं 27-28 लाख रुपए से लेकर और 35 लाख रुपए की ब्रैकेट तक आपको प्लॉट अवेलेबल हो जाता है कॉस्ट ऑफ लैंड की लैंड पे, और तकरीबन 8-9 किस्तें इसकी डेवलपमेंट चार्जेस की ड्यू है जो आपको अलग से पे करनी पड़ेगी। बात करते हैं ई ब्लॉक की, जो नॉन पोजेशन एरिया है, डेवलपमेंट स्टार्ट होगी हुई है लेकिन फिर भी रेट्स में खासा कोई इजाफा नहीं हुआ। 17 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस लगाने के बाद मजीद इस ब्लॉक के अंदर हमने जो प्राइसेस है उसका झुकाव ही देखा है और मिनिमम प्लॉट आपको यहाँ पे 23-24 लाख रुपए में भी अवेलेबल हो जाता है, जो मैक्सिमम तकरीबन आप कह लेंगे प्लॉट 25-26 लाख रुपए में आपको अच्छा प्लॉट अवेलेबल हो जाता है। तो ये थी करंट पोजीशन डीएचए भावलपुर के हवाले से। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा हाजिर होगा मेरे रेस के साथ, मैं इन्फॉर्मेशन के साथ। उसके लिए इजाजत दीजिएगा, अल्लाह ताला आपको हमें नसर, अल्लाह हाफिज़।